गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास हम आज की स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिएंट मीडिया बनाने के मेथड्स पढ़ लिए थे। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको कंसेप्चुअल वे में भी समझा दिया और जो आपको बुक में लिखा है बुक के हिसाब से भी मैंने आपको फॉलो करवा दिया कि बुक में किस तरीके से जो लिखा है वैसे बताते हैं, ठीक है ना। बुक में कुछ आपकी गलतियाँ हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, पहले से ही मैंने खुद भी उसको दोबारा कैलकुलेट किया था। एक तो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके टेबल में दिया हुआ है ग्राम में, वो ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम में है। जो संग्रह भोजन बनाने वाले जो हम अलग अलग मात्रा जो लेते हैं अवयवों की, जो मात्रा हमें दी हुई है वो सारी की सारी मिलीग्राम में है, ग्राम में नहीं है, ठीक है ना। दूसरी, उसमें कैलकुलेशन भी गलत लिखी हुई है। जैसे कि इसमें लिखा है बोरिक एसिड जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि, मैं आपको ये दोनों टेबल एक बार दोबारा फिर से बता ही देता हूँ क्योंकि ये बुक में बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। देखो, बुक में लिखा है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूं मैं, बोरिक एसिड, सोडियम मोलिब्डेनम ऑक्सलेट, Na2, MoO4, और फिर उसके बाद आती है बात आपकी कोबाल्ट क्लोराइड 0.2H2O, 6H2O, फिर कॉपर सल्फेट, पॉइंट फाइव एच टू ओ, ऐसे जिंक सल्फेट 0.7H2O और मैग्नीशियम सल्फेट 0.4H2O। ठीक है ना, ये पदार्थ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। रिक्वायर्ड जो कंसंट्रेशन है वो इसकी चाहिए 6.2 मिलीग्राम पर लीटर फॉर 1x, ठीक है ना। मूल माध्यम में इसकी मात्रा इतनी चाहिए, आप टेबल में करेक्शन कर लेना, 6.2 ये है 0.025, अगला है 0.025, फिर ये भी 0.025, इसके बाद है 8.6 और 22.3, ठीक है। अब अगर हमें विलयन बनाना है 50 ml, अगर विलयन जो है आप 50 ml या 100 ml बनाना चाहते हो, अगर विलयन आपको 100 ml बनाना है, ठीक है, तो हर एक की मात्रा 100x के हिसाब से कितनी कितनी चलेगी 100x के लिए, ठीक है ना। पहले हम ऊपर हम कैलकुलेट करके ही लिखेंगे, अब आपके सामने मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ। देखो, बोरिक एसिड की बात करें, 1000 ml के लिए चाहिए 6.2, 1 ml के लिए चाहिए 6.2 डिवाइडेड बाय 1000, और 100 ml के लिए चाहिए 6.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। ये तो है किसकी बात, 1x की, ठीक है। अगर इसको 100x करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। ये बोरिक एसिड की बात है, तो 6.2 इंटू 10 तो कितना हो गया, 62 मिलीग्राम, ये हमें चाहिए 62 मिलीग्राम। बुक में आपके लिखा है 620 ग्राम, गलत है, उसको नहीं, आप 62 मिलीग्राम मान के चलो, ठीक है ना। 620 ग्राम तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो एक किलो से भी, आधा किलो से भी ज़्यादा हो गया, इतना तो हम कहाँ तक वजन करेंगे, और 100 ml पानी में आधा किलो से भी ज़्यादा घुलेगा भी नहीं, तो बुक बिल्कुल गलत है, बुक को नहीं फॉलो करना, 62 मिलीग्राम है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, हमने मेन कैलकुलेशन कर ली, अब आप बार बार ये वैल्यू रखते जाओ, 0.25, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2.5 मिलीग्राम, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.25 मिलीग्राम, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.25 मिलीग्राम। 10 से मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है ना। अब केवल इसको यहाँ पे वैल्यू रखते जानी है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है, इसको करेंगे तो 86 मिलीग्राम, और इसको करेंगे 223 मिलीग्राम, इसको करेंगे तो 223 मिलीग्राम,
ठीक है ना। तो ये फाइनल कैलकुलेशन है, बुक में जो लिखी है वो गलत है, उसको नहीं फॉलो करना, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है बुक में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बुक है वो के अंदर ढंग से प्रूफ रीडिंग नहीं होती, तो उसके अंदर गलतियाँ रहती हैं, और आपकी खास करके CBH और RBD की बुक में तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, इसलिए इसको एज सच आपको फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो ये तो होगी भैया हमारे देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात, जो हमने उस दिन टेबल पढ़ी थी, टेबल में गलत कैलकुलेशन बुक के हिसाब से था, ठीक है। दूसरा हम फिर बात करते हैं, एक और रह गया था हमारा, वो था विटामिन्स। विटामिन्स की टेबल भी गलत दे रखी है, जो विटामिन्स है उसकी टेबल भी गलत दे रखी है। पहला है इसमें थायमिन HCl, दूसरा है निकोटिनिक HCl, निकोटिनिक एसिड, सेकंड वन इज निकोटिनिक एसिड, थर्ड वन इज पिरिडॉक्सिन एसिड। निकोटिनिक एसिड और पिरिडॉक्सिक एसिड, थायमिक एसिड, निकोटिनिक एसिड और पिरिडॉक्सिन HCl, HCl है ये। ठीक है, तो ये है मूल माध्यम में इनकी मात्रा 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर और 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। मूल माध्यम में इनकी मात्रा इतनी दी हुई है, अब अगर हमें इसे बनाना है 50 ml, अगर हम इसे 50 ml बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो हमें बनाना है वो बनाना है 100x, ठीक है ना। फिर से वही सेम बात है, देखो एक कैलकुलेशन करेंगे हम बात करते हैं थायमिन HCl की, 0.1 मिलीग्राम चाहिए कितने में, 1000 मिलीलीटर में, ये देखा ना, 0.1 मिलीग्राम फॉर 1 लीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर में 0.1 ग्राम मिलीग्राम, एक में 0.1 अपॉन 1000, ठीक है, 50 में 0.1 अपॉन 1000 इंटू 50, ये बात है किसकी, 1x की, इसको 100x माने, फॉर 100x इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 अपॉन 1000 इंटू 50 इंटू 100, 100x के लिए ये हो गई। फिर से बता रहा हूँ, 0.1 मिलीग्राम चाहिए 1000 मिलीलीटर, 1000 ml के लिए, यानी 1000 ml में 0.1 मिलीग्राम, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर के लिए 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 को नीचे ले आएंगे, 50 के लिए इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के लिए इतना चाहिए तो 50 के लिए इतना चाहिए, 1x मात्रा, 1x सांद्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए इतना, तो 100x सांद्रता, 100x कंसंट्रेशन के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ख़त्म, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है और उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.5 मिलीग्राम, ये आएगा 0.5 मिलीग्राम, 0.5 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 2.5 मिलीग्राम, और इसको करेंगे तो ये भी आएगा 2.5 मिलीग्राम। बुक में आपके लिखा है ऊपर वाला 5 ग्राम, फिर 25 ग्राम, फिर 25 ग्राम, 25 ग्राम अगर निकोटिनिक एसिड अगर हम ले लें तो फिर हम तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा हमारा, बहुत महंगा आता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो एक एक ग्राम बहुत कॉस्टली होता है, 25 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया, और इतना सारा डलता भी नहीं है, ठीक है ना। 50 मिलीलीटर के अंदर 25 ग्राम ये, 25 ग्राम ये, 50 ग्राम तो आपने यही डाल दिया, तो फिर ख़त्म, पानी पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, तो वो बुक में के हिसाब से कैलकुलेशन गलत है, ये भी सब मिलीग्राम में है, ये ग्राम में नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गई बात हमारी। अब तो ये दोनों जो टेबल थी, दोनों कैलकुलेशन थी हमारी कल गलत थी, एक ग्लाइसिन की भी गलत है, ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन हमने बनाया था उसकी मात्रा भी बुक में गलत लिखी हुई है, मैं आपको वो भी सही करा देता हूँ। अननेसेसरी हमारी एक क्लास आज वेस्ट हो गई। देखो ग्लाइसिन जो है उसकी मात्रा लिखी है, वो चाहिए होता है 2 मिलीग्राम पर लीटर, बेसिक सॉल्यूशन में उसकी मात्रा चाहिए होती है 2 मिलीग्राम पर लीटर,
फॉर 1x, बेसिक सॉल्यूशन मतलब 1x ही होता है, ठीक है 1x। अब इसको आपको 20 ml बनाना है, ठीक है ना, 20 ml बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो 20 ml 100x, आपको बनाना कितना है 20 ml 100x, तो जैसे हमने वहाँ किया ऐसे यहाँ कर लेंगे, 1000 में 20 mg, ठीक है, एक में 20/1000, 20 ml में 20/1000 गुणा 20, यह है बात 1x की। और अगर आप इसको 100x करना चाह रहे हो तो इसको 100x 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20/1000 × 20 × 100, ठीक है ना, ये 3 0 ख़त्म, ये बचेगा इससे, ये हो जाएगा आपका 40 mg, तो हमें क्या करना है 40 mg, ठीक है 40 mg ग्लाइसिन, बुक में आपके लिखा है 40 ग्राम ग्लाइसिन है, 40 ग्राम ग्लाइसिन नहीं होगा, 40 mg ग्लाइसिन होगा, ठीक है, एक लीटर के अंदर। ठीक है ना, तो ये कुछ गलतियां थी आपकी बुक में जो मैंने सही करा दी हैं, आपको ये जो मैंने बोर्ड पे लिख करके दिया यही करना है। अगर आपको नहीं होता, नहीं समझ में आता, तो आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए, जैसे ये है, कहीं पर भी आपको गलती दिखे, मैं CBH की बुक मैंने देखी थी उसमें ये मिस्टेक थी, अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है उसमें भी अगर इस तरह की मिस्टेक आपको नज़र आए तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी देखो बच्चों बात खत्म हो गई, अब हम आज बात करते हैं एक्सप्लांट की, हम आज हमारी बात स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लांट की। न्यूट्रिएंट मीडिया तो हमने बना लिया, अब न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर करने के लिए हमें आवश्यकता है किसकी, एक्सप्लांट की, हमें क्या चाहिए होता है एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट करने, तो सबसे पहले अब हम आते हैं एक्सप्लांट के ऊपर कि एक्सप्लांट क्या होता है, यानी कर्तोतक क्या होता है, पहले तो कर्तोतक की परिभाषा समझेंगे। कर्तोतक पार्ट ऑफ प्लांट, इसको हम और भी अच्छा सा लिख सकते हैं, या आप इतने लिख लीजिए, वो प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे, पार्ट ऑफ प्लांट टू बी कल्चर, ठीक है, पादप का वह भाग जिसका संवर्धन किया जाना है, पादप का वह सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म जरूरी है, माइक्रो पार्ट, ठीक है, सूक्ष्म भाग जिसका संवर्धन किया जाना है, ठीक है ना। एक्सप्लांट पादप का वह भाग होता है जिसको कल्चर किया जाता है, यानी कि कर्तोतक जो है पादप का वह सूक्ष्म भाग होता है, वह छोटा पार्ट होता है जिसको कल्चर हम करते हैं, ठीक है ना। छोटे भाग का मतलब बहुत, बिल्कुल ऐसा नहीं जो माइक्रोब से देखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो बहुत छोटा होना चाहिए, लगभग इतना बड़ा डॉट जैसे मैंने आपको दिखाया इतना ही बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा पार्ट होगा तो वो कल्चर ढंग से नहीं होता, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉट के जितना इतना पार्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा पार्ट वो नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। तो ये पार्ट जो होता है जिसको हम कल्चर करते हैं, जिसको हम संवर्धन करते हैं, वो कहलाता है एक्सप्लांट, वो क्या कहलाता है एक्सप्लांट, ठीक है ना। इस एक्सप्लांट को कल्चर करने के लिए हम, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सबसे पहला ये है जीवाणुओं व विषाणुओं से रहित हो, ये ज़रूरी है कि यह जीवाणुओं व विषाणुओं से रहित हो, इसमें किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, विषाणुओं से रहित हो, ठीक है ना, यह जीवाणुओं से और विषाणुओं से, बैक्टीरिया और वायरस से मुक्त होना चाहिए, रहित हो, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम
बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। सेकंड, इसमें मेरिस्टमेटिक, यह है मेरिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी कि विभिज्योतक होना चाहिए, विभिज्योतक होना चाहिए। इट मस्ट बी मेरिस्टमेटिक, यह मस्ट बी मेरिस्टमेटिक। मेरिस्टमेटिक का क्या मतलब है या विभिज्योतक का क्या मतलब है? पादप में देखो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, दो साइड, दो टाइप की सेल्स होती हैं, तीन तरह की सेल्स होती हैं, दो को भी नहीं मानते हम। सबसे पहली होती है मेरिस्टमेटिक सेल, यानी कि विभिज्योतकी कोशिकाएं, मेरिस्टमेटिक सेल, इन्हें हम बोलते हैं विभिज्योतकी कोशिकाएं। ये लगातार वृद्धि करती हैं, या हम कह सकते हैं इन कोशिकाओं में लगातार कोशिका वृद्धि या कोशिका विभाजन होता है, कैपेबल ऑफ डिवीजन, कैपेबल ऑफ डिवीजन, इनमें डिवीजन की क्षमता, यानी कोशिका विभाजन की क्षमता इनके अंदर होनी चाहिए, होती है। मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होती हैं इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, डिवाइड करती रहती हैं। ये मुख्यतः दो जगह पाई जाती हैं, अगर हम शूट की बात करें, प्ररोह की बात करें, सबसे टॉप में जहाँ पे एपिकल बड होती है और जहाँ पे लेटरल बड्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा लीफ बड्स वगैरह के अंदर भी ये उपस्थित होती है, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, बीज होता है, वहाँ पर भी उपस्थित होती हैं, ठीक है ना, मेरिस्टमेटिक होनी चाहिए। दूसरी टाइप की सेल्स से अब हमको कोई मतलब नहीं है, मेरे को आपको मुख्य जो बात बतानी थी बता दी। दूसरी टाइप की सेल्स होती हैं परमानेंट सेल, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं ये, जिनके अंदर डिवीज़न नहीं होता, ठीक है ना, ये सेल्स के अंदर डिवीज़न नहीं होता है, फिक्स हो जाते हैं, इनकी मृत्यु होती है। और थर्ड टाइप की सेल्स डेड सेल्स होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा या टफ सेल्स वगैरह होती हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो सेल डिवाइड करती भी नहीं है। तो ऐसी कोशिकाएं लेते हैं, पादप का वो भाग लेते हैं जहाँ पर विभिज्योतक की कोशिकाएं उपस्थित हों, मेरिस्टमेटिक कोशिका उपस्थित हों, यानी कि उनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी हो, कोशिका विभाजन की क्षमता उसमें होनी चाहिए, डिवीज़न कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए। अगर हम ऐसी कोशिकाओं को ले लेंगे, ऐसे भाग को ले लेंगे जहाँ पे उपस्थित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं हो सकता, तो फिर वो कैलस कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोशिकाएं लेंगे, ऐसा पादप का भाग लेंगे जहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। और तीसरा, यह माइन्यूट होनी चाहिए, ठीक है, मैंने इसको माइक्रो लिखा है, इसको माइक्रो ना लिख के आप लिख लीजिए माइन्यूट, ठीक है, माइन्यूट है ना, यस, इसको सूक्ष्म ना लिख के आप इसको भी लघु लिख लीजिए। इट मस्ट बी माइन्यूट, यह माइन्यूट होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होगा, छोटा इतना होना चाहिए कि वो हमारे से हैंडलिंग हो जाए, इतना छोटा कि हमारे से हैंडलिंग नहीं है, हम उसे फोरसेप से, चिमटी से पकड़ नहीं सकते, ब्लेड से काट नहीं सकते, किसी चीज़ से उठा नहीं सकते, उसको वॉश नहीं कर सकते, तो वो बेकार है, ठीक है ना। वो इतना छोटा होना चाहिए कि हमसे इजीली हैंडल हो जाए, लेकिन इतना बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा बड़ा शेप हो जाएगी, तो फिर वो कैलस डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो छोटे की कोई परिभाषा नहीं है कितना छोटा है, छोटे की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि छोटे से छोटा होना चाहिए कि हमसे इजीली हैंडल हो जाए, इजीली हम उसको पकड़ सकें, हाथ से नहीं, चिमटी वगैरह से हम उसको पकड़ सकें, हम उसको वॉश कर सकें, ठीक है ना। तो इतना ही छोटा होना चाहिए कि वो इजी टू हैंडल, सिंपल सी बात है, इजी टू हैंडल, यानी कि हम उसको इजीली काम कर सकें, ठीक है। ये बात है कर्तोतक की। तो कर्तोतक क्या है, पादप का वह अंग या वह भाग जिसको हम संवर्धित करते हैं, वह कर्तोतक कहलाता है। तो अब कर्तोतक के लिए हम पादप के कौन कौन से भागों को काम में ले सकते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पादपों के भाग जो हैं जो कर्तोतकों के काम में मुख्यतः आते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट के टाइप्स, पहला है स्तंभ पर्व, स्तंभ पर्व यानी कि स्टेम नोड,
इंटरनोड। स्टेम इंटरनोड, अगर आपने गन्ने का पौधा देखा हो, गन्ने का तना देखा हो, तो ऊपर गोल चक्री होती है, इनके बीच का जो स्थान होता है ये कहलाता है इंटरनोड, ठीक है ना। और ये दोनों कहलाते हैं क्या, नोड, पर्व संधि, पर्व संधि यानी कि नोड, जहाँ से नई कलिका निकलती है। किसी भी पौधे को देखें वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक अलग सी संरचना दिखती है, जैसे पादप है, ठीक है ना, यहाँ पे एक अलग से संरचना दिखेगी, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर एक अलग संरचना दिखेगी, फिर ऊपर चढ़ेगा, तो ये कहलाती है नोड यानी पर्व संधि, ठीक है। और दो नोड्स के बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है इंटर नोड यानी पर्व, और ये है पर्व संधि। यहाँ दो पर्व आपस में मिलते हैं, एक पर्व ये मिला, दूसरा पर्व ये मिला, जहाँ मिलते हैं वो कहलाती है पर्व संधि, ठीक है। तो पहला स्तंभ पर्व यानी इंटरनोड का पार्ट लिया जा सकता है, दूसरा स्तंभ पर्व संधि, स्तंभ पर्व संधि यानी कि स्टेम नोड, दूसरा है स्टेम नोड स्तंभ पर्व संधि, तीसरा स्तंभ शीर्ष, स्तंभ शीर्ष यानी कि स्टेम एपेक्स, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एपिकल बड, ठीक है, इसे बोलते हैं स्तंभ शीर्ष, स्तंभ शीर्ष। तीसरा कक्षस्थ कलिका, चौथा कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बड, ये प्लांट है, प्लांट में यहाँ नोड है, नोड से पत्ती निकलती है एक, ठीक है ना, इस पत्ती के बेस में यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्सिस यानी कक्ष, पत्ती का कक्ष कहलाता है एक्सिस। यहाँ एक्सिस में एक कलिका बन जाती है, कलिका बन जाती है, यह कलिका कहलाती है कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड यानी कक्षस्थ कलिका। तो कक्षस्थ कलिका हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद आता है पांचवा पर्ण यानी लीफ, पर्ण यानी कि लीफ, छठा पर्ण का कोई भाग एनी पार्ट ऑफ लीफ, पर्ण का कोई भाग एनी पार्ट ऑफ लीफ यानी पार्ट ऑफ लीफ, पर्ण का कोई भाग यानी पार्ट ऑफ लीफ, पर्णव्रंथ, सातवां पर्णव्रंथ यानी पेटियोल, पर्णव्रंथ यानी पेटियोल, कंद, यानी राइजोम,
राइजोम, रूट जो होती है, रूट कई बार फूल करके वो कंद बना लेती है, उसे राइजोम बोलते हैं। पराग कोश, पोलन सैक, पोलन सैक। अगर हम एक पुष्प की संरचना देखें तो ये होता है पुष्प व्रंत, यानी किसे बोलते हैं, पेडिसल। इसके बाद पहली चक्र होती है हरी पत्तियों की, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सेपल, पेटल। इसके बाद दूसरी चक्री होती है, इसे बोलते हैं कोरोला। इसके बाद इसमें बीच में ओवरी होती है, नीचे फूला हुआ भाग होता है ओवरी, और बगल में इस तरह से कुछ स्टेमन्स निकले रहते हैं जिन्हें बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है ना। स्टेमन्स के सबसे ऊपर इस तरह की संरचनाएं आप होती हैं। अगर आपने कभी गुड़हल का फूल देखा हो या सरसों का फूल देखा हो, उसमें संरचनाएं साफ दिखाई देती हैं। गुलाब के फूल में भी ये स्टेमन है पुंकेसर, ठीक है। स्टेमन में सबसे ऊपर का ये भाग कहलाता है पराग कोश, यानी पोलन सैक, ठीक है, पोलन सैक। इसके अंदर होते हैं पोलन सैक यानी पराग कोश, तो इनको भी कल्चर किया जा सकता है। पराग कण, इसके अंदर से जो पोलन निकलते हैं उन्हें भी कल्चर किया जा सकता है। पराग कण यानी कि पोलन, ग्यारहवां अंडाशय, यानी ओवरी। अभी मैंने आपको बताया नीचे का फूला हुआ भाग जो होता है, बीच वाले भाग का, ये गाइनोशियम कहलाता है, ठीक है ना। इस फूले हुए भाग को कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। इसके अंदर एक छोटी संरचना पाई जाती है, वो कहलाती है बीजांड। ओवरी को अगर हम ओपन करें तो इसमें एक संरचना पाई जाती है बीजांड, इसे बोलते हैं ओव्यूल। यह कहलाएगी बीजांड यानी ओव्यूल। तेरहवां त्वचा, रोम, हेयर्स। कई प्लांट्स जैसे होते हैं उनके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें भी कल्चर किया जा सकता है। त्वचा, रोम यानी हेयर। चौदहवां पुष्पकली यानी फ्लावर बड, फ्लोरल बड। पंद्रहवां बीज यानी सीड, बीज यानी कि सीड। और सोलहवां मूल यानी रूट। मूल शीर्ष लिखिए, इसे पूरी रूट नहीं कल्चर की जा सकती, मूल शीर्ष यानी रूट एपेक्स, रूट एपेक्स। ये सभी प्लांट के वो पार्ट हैं जिनको हम कल्चर कर सकते हैं, विच कैन बी कल्चर, या जिनको हम कर्तोतक के रूप में इस्तेमाल में ले सकते हैं। लिख लीजिए आप इनको सबको।
अब है कर्तोतक बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जो कर्तोतक है वो कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, कर्तोतक बनाने की प्रक्रिया, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट कैसे बनाया जाता है, कर्तोतक किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन से प्लांट के पार्ट को, प्लांट के कौन से पार्ट को कर्तोतक के रूप में इस्तेमाल करना है। जिस भी प्लांट पार्ट को हम कर्तोतक या एक्सप्लांट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका एक बड़ा टुकड़ा हम काट करके सबसे पहले अलग रख लेते हैं और उसको काट करके हम हमारे साथ लैब में ले आते हैं। अब होता क्या है, कई बार हम ऐसे प्लांट का कल्चर करना होता है जो कि हमारे आसपास प्लांट्स नहीं अवेलेबल होते, ठीक है ना। कई बार हमें बहुत दूर से किसी प्लांट को लाना है, हमारे आसपास वो प्लांट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि जो लैब है लैब से आपको दूर से जाकर के लेकर आना है। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि किसी दूसरे शहर से जाकर के लाना पड़ता है, क्योंकि हर तरीके का पादप, जो रेयर प्लांट्स होते हैं जो किसी खास स्थान के ऊपर ही पाए जाते हैं, वो कई बार लैब में नहीं मिलते, आसपास लैब के आसपास के इलाकों में भी नहीं मिलते, तो वो कहीं दूसरे जाकर के लाने पड़ते हैं। यानी कि सैम्पलिंग जो होती है, सैम्पलिंग कहीं कभी बहुत दूर दूर से करनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम जब भी प्लांट के पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं, काट लेते हैं, तो उसको लैब तक लाने के लिए हमें ये बात सुनिश्चित करनी होती है, हमें ये बात बिल्कुल डेफिनेट रखनी होती है कि जो प्लांट की सेल्स हैं वो डेड ना हो। खासतौर से जैसे ही हम प्लांट के पार्ट को काटते हैं तो थोड़े टाइम के बाद क्या है कि जो उसकी ओपन सेल्स हैं, ओपन सेल्स यानी कि हमने प्लांट के पार्ट को काटा, ये प्लांट है, ठीक है, हमने इसके पार्ट को काट लिया, यहाँ से काट लिया, अब ये जो बची हुई जो ओपन सेल्स होंगी दूसरी तरफ, ये क्या है थोड़े टाइम के बाद डेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको वाटर वगैरह नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो डेड होना शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे फिर क्या है कि हमारा एक्सप्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारा जो एक्सप्लांट है वो पूरी तरह से लाइव हो, उसकी सारी सेल्स जो हैं वो जीवित हों, ठीक है ना। अगर लेबोरेटरी के बिल्कुल पास है, हमने सैंपल हमने बिल्कुल लेबोरेटरी के पास से लिया है कि हम बहुत थोड़ी देर में या तुरंत लेबोरेटरी में पहुंच सकते हैं, जब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हमें बहुत दूर से लाना है, घंटा दो घंटा तीन घंटे या कई बार इससे भी ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि हम प्लांट्स को जब भी पार्ट को काटते हैं तो उसे सबसे पहले प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के लिए या तो बर्फ़ या शुष्क बर्फ़ में उस पार्ट को रख देते हैं, ठीक है, बर्फ़ में या शुष्क बर्फ़ में रख देते हैं। उससे क्या होता है, शुष्क बर्फ़ यानी ड्राई आइस होती है, यानी ड्राई आइस जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री होता है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनके बीच में हमारे प्लांट के पार्ट को रख देते हैं ताकि उसकी जो सेल्स हैं वो डेड नहीं हो, वो मरे नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेबोरेटरी में हम हमारे सेल्स प्लांट के पार्ट को ले आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है जो याद रखना होता है कि किसी भी कीमत पे प्लांट सेल्स डेड नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बार क्या है, फिर से बता रहा हूँ, कई बार हमारी लैब जो होती है जहाँ पर रिसर्च की जाती है वो ऐसी जगह होती है कि उसे सैंपल हर जगह नहीं मिलते, तो सैंपलिंग के लिए दूर दूर जाना पड़ता है रिसर्चर्स को, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको या जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनको। जैसे कोई भी, जैसे हम एग्जांपल लें कि पोटैटो रिसर्च सेंटर है, ये शिमला के अंदर है, ठीक है ना, लेकिन अब जरूर थोड़ा ना कि उसे सब पोटैटो वहीं पे मिल जाएं, या पोटैटोज की अलग अलग वैरायटीज़ भी होती हैं तो उनको अलग अलग वैरायटीज़ के लिए अलग अलग घूमना पड़ेगा। अगर शिमला के अंदर कोई गुजरात से सैंपल लेके जाना चाहता है तो गुजरात से पोटैटो का प्लांट शिमला तक ले जाएगा, इससे तो वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअली बात क्या है कि सैम्पलिंग करने के लिए कई बार बहुत दूर भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो प्लांट सैंपल है वो डेड नहीं होना चाहिए, वो जीवित रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हम उसे प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करके लेबोरेटरी तक लाते हैं, बर्फ़ में या ड्राई आइस में या आइस में, बर्फ़ में या शुष्क बर्फ़ में ही हम उसे लेबोरेटरी तक लेकर के आते हैं। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, फिर उसे निर्जर्मीकृत किया जाता है, दूसरा है पॉइंट, उसे निर्जर्मीकृत किया जाता है। निर्जर्मीकृत करने के लिए उसे पानी और साबुन से एक बार धो लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उसे पानी से या साबुन से अच्छे से वॉश कर लेते हैं, पानी या साबुन से उसे अच्छे से एक बार वॉश कर लिया जाता है, ठीक है, धो लिया
जाता है ताकि उसके ऊपर उपस्थित सभी प्रकार के मिट्टी के कण हैं या फिर कोई और गंदगी है, डस्ट पार्टिकल है, वो सब के सब साफ़ हो जाएं। पानी या साबुन से धोने से तो केवल यही होगा, बाद में उसकी निर्जर्मीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्जर्मीकरण की प्रक्रिया से उस सैंपल के अंदर या जो प्लांट पार्ट है उसमें उपस्थित सभी जीवाणु या विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस अगर कोई भी उसमें उपस्थित है तो वो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो अभी तो हमने केवल उसे मोटा मोटा यानी बाहर से ही निर्जर्मीकृत करते हैं। निर्जर्मीकृत करने के बाद हम उन्हें अलग अलग रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से प्लांट पार्ट होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, कुछ चार पांच मेथड हैं। सबसे पहला तो क्या है, देखो अगर हम सीड काम में ले रहे हैं, इफ़ वी आर यूजिंग सीड, अगर हम सीड को कर्तोतक के रूप में काम में ले रहे हैं, बीज, तो बीज क्या होते हैं, डोरमेंट होते हैं, सुसुप्त होते हैं। क्या होते हैं ये, डोरमेंट यानी सुप्त। अधिकतर अवस्था में बीज कैसे होते हैं, डोरमेंट होते हैं यानी कि सुप्त होते हैं, प्रसुप्त अवस्था के अंदर वो होते हैं। तो प्रसुप्त अवस्था भंग करने के लिए उनको 50% सल्फ्यूरिक एसिड से उपचारित किया जाता है, उनको 50% सल्फ्यूरिक एसिड से उपचारित किया जाता है ताकि उनकी प्रसुप्तावस्था भंग हो जाए। ठीक है, उपचारित करते हैं ताकि उनकी डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाए, प्रसुप्तावस्था भंग हो जाए। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए या प्रसुप्तावस्था भंग करने के लिए उनको उपचारित किया जाता है। ठीक है, 50% सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके बाद इन्हें 2 घंटे तक पानी से, 2 घंटे तक इसमें डोबे रखते हैं, इसके बाद इसे पानी से भी धो लेते हैं 2 आवर्स तक। ठीक है, उसके बाद इसे पानी से वॉश कर लिया जाता है ताकि एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सारा का सारा बीजों के ऊपर से निकल जाए। अगर हम कक्षस्थ कलिका का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी एक्सिलरी बड है, तो एक्सिलरी बड जब भी हम लाएंगे तो खाली बड हमारे से नहीं आएगी। एक्सिलरी बड है, अगर जैसे ये ला रहे हैं, ये एक्सिलरी बड है, ये एक्सिलरी बड यहाँ से हमने काटी तो बड़ तो काटना संभव होगा नहीं, हम इतने पार्ट को काटेंगे एक बार, तो हम इतने को ही काटेंगे बाहर से जब लाएंगे। तो इसके आसपास के सभी भागों को, पत्तियों को, पर्ण अक्षों को, सबको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है ना, अगर कक्षस्थ कलिका का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आवश्यक पत्तियाँ वगैरह सब हटाई जाती हैं और उनको 70% इथेनॉल से, अगर कक्षस्थ कलिका है, कक्षस्थ कलिका यानी एक्सिलरी बड है तो 70% इथेनॉल से या वाटर से उसको वॉश करना जरूरी है। 70% इथेनॉल या वाटर से उसको हम साफ कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, अगर कक्षस्थ कलिका के बाद अगर तीसरा हम बात करें, परागकण या सूक्ष्म बीज हैं, परागकण वगैरह है, जैसे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन तो बहुत छोटे होते हैं, इनको हैंडल करना भी मुश्किल होता है, ये सूक्ष्म बीज होते हैं, पाउडर की तरह होते हैं, तो इनको हम किसी फिल्टर पेपर में रख करके, डायरेक्टली नहीं रख के, डायरेक्टली हम इनको वॉश नहीं करते, डायरेक्टली हम इनको स्टरलाइज भी नहीं करते, इनको फिल्टर पेपर में रख करके आराम से, फिर फिल्टर पेपर के साथ ही इनको स्टरलाइज किया जाता है ताकि वो हमें लॉस ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमारे जो एक्सप्लांट है उसे हैंडल करते हैं, एक्सप्लांट्स को हम हैंडल करते हैं, उसको संभालते हैं। अभी हमने उसका निर्जर्मीकरण यानी कि स्टरलाइजेशन जो है वो नहीं कराया। स्टरलाइजेशन करने के लिए अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो स्टरलाइजेशन के क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट ऑफ एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है स्टरलाइजेशन का, लेमिनार फ्लो बेंच जो होती है, लेमिनार फ्लो बेंच जो होती है, लेमिनार एयर फ्लो जो होता है उसमें, उसकी जो बेंच होती है, उस बेंच को हम सबसे पहले 70% एल्कोहल से वॉश करते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं,
अब हम क्या एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं, उसको 70% अल्कोहल से वॉश, वॉश का मतलब धोना नहीं है, उसको फिल्टर पेपर को अल्कोहल में डुबा के या रुई को कॉटन को अल्कोहल में डुबा के उस बेंच को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, हमारे हाथों को भी साफ़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी उपकरण हम लोग काम में लेने वाले हैं, जैसे स्कैल्पल हो गया, पैट्री प्लेट हो गई, ठीक है ना, ये सब अगर पहले से हमने ऑटोक्लेव कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑटोक्लेव नहीं है तो इनको भी हम अच्छे से स्टरलाइज कर लेते हैं, अल्कोहल से साफ कर लेते हैं। बाकी लेमिनर फ्लो बेंच के अलावा और एक्सप्लांट के अलावा हर चीज़ को ऑटोक्लेव किया जा सकता है, तो ऑटोक्लेव करते ही हम हर मटेरियल को उठा करके लाके लेमिनर फ्लो बेंच के अंदर अब रख देते हैं। जो कुछ भी हमने ऑटोक्लेव किया था, जिसको कुछ जो कुछ भी हमने स्टरलाइज किया था ऑटोक्लेव के अंदर, सारा मटेरियल ऑटोक्लेव से निकाल के, उसकी पैकिंग नहीं खोलते, ऑटोक्लेव जब भी करते हैं पैक करके करते हैं, एल्युमिनियम की फॉइल में या अखबार में या कागज़ में रैप करके, जो भी कुछ हमने ऑटोक्लेव किया था उसकी पैकिंग खोले बिना उसे सीधा लाके लेमिनार फ्लो बेंच के अंदर रख देते हैं। उससे पहले लेमिनार फ्लो को 70% अल्कोहल से वाइप कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया था, नहीं पोंछ लिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इसमें लेमिनार फ्लो के अंदर हमारा बर्नर वगैरह अगर कुछ रखा है, लैम्प वगैरह रखी है, उसको हम अच्छे से प्लेस करके और जला करके और यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसको ऑन कर दिया जाता है, और ऑन करके उसे लगभग 20 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लेमिनार फ्लो के आसपास नहीं जाते, वहाँ से हम दूर चला दिए जाते हैं, ठीक है। आधे घंटे बाद या 20 मिनट के बाद हम वापस लेमिनार फ्लो को खोलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट बंद कर देते हैं, हमारे हाथों में हम ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं, सर पे कैप लगा लेते हैं, क्योंकि सर के अंदर भी बहुत से जीवाणु हो सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, मुंह पे मास्क वगैरह लगा लेते हैं हमारी सांस से, ताकि वायरस या बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना चले जाएं, हमारे सांसों में भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब अंदर ना चले जाएं, और हमारे हाथों को अच्छे से अल्कोहल से वॉश कर लिया जाता है। 70% अल्कोहल से वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं, 3 पैट्री प्लेट लेते हैं, एक पैट्री प्लेट में डालते हैं 70% इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, ठीक है, दूसरी पैट्री प्लेट में डिस्टिल वाटर, और तीसरी पैट्री प्लेट में भी डिस्टिल्ड वाटर हम डालते हैं। अगर आप अल्कोहल से कर रहे हैं तो अल्कोहल से, अगर आप अल्कोहल में नहीं कर रहे, किसी और पदार्थ में अगर स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन करने के लिए बहुत से पदार्थ काम आते हैं, मैंने आपको बताया था 1% NaOCl, Hg2Cl2, ठीक है, इसके अलावा आपका होता है सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन वाटर, ये हमने पढ़े थे सारे, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर, तो कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। मान के चलिए आप लोग Hg2Cl2 ले रहे हो, तो 1% Hg2Cl2 का सॉल्यूशन इसमें हम डाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे एक्सप्लांट को हम लेते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लांट को हम चिमटी से उठाते हैं। एक्सप्लांट जब भी हम लाएंगे तो हमारा सैंपल बॉक्स होगा, उसके अंदर फिल्टर पेपर वगैरह रखा होगा, उसके अंदर एक्सप्लांट को ला करके हम पैकिंग जो है उसकी खोलेंगे लेमिनार एयर फ्लो में। पहले हमने उसको वॉश कर लिया है सादा पानी में अल्कोहल से, उसके बाद हम उसे लेमिनार फ्लो में लाएँ। फिर लेमिनार फ्लो में लाने के बाद उसके सरफेस पे अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसे चिमटी से उठाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे पहली पैट्री प्लेट में डाल देंगे और 15 से 20 सेकंड तक पहली पैट्री प्लेट में उसको डूबे रहने देंगे, ठीक है ना। अच्छे से उसको हिलाएंगे पैट्री प्लेट को, ताकि चारों तरफ वो पूरी तरह से पैट्री प्लेट में अच्छे से रहे और जो भी पदार्थ है इसके अंदर पूरा डूबा रहे, तो सरफेस के ऊपर जितना भी इसके बैक्टीरिया अगर है तो वो सारे के सारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम साफ़ चिमटी लेंगे जो कि स्टरलाइज की हुई है, ऑटोक्लेव की हुई है, उसकी पैकिंग खोलेंगे। पैकिंग का मतलब है ऑटोक्लेव करते समय हर चीज़ को स्टरलाइज पहले जब करते हैं तो उसकी पैकिंग कर दी जाती है एल्युमिनियम फॉइल के अंदर या अखबार के कागज़ में अंदर या सादा किसी भी कागज़ में, तो उसकी पैकिंग लेमिनार फ्लो के अंदर जाके ही खोली जाती है, वो भी जब जब उसकी ज़रूरत हो, अदरवाइज़ को पैक रखे रहने देते हैं। तो एक साफ चिमटी लेंगे, उसकी पैकिंग खोलेंगे, चिमटी से इसको उठाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, थोड़े समय तक इसमें रखे रहने देंगे, लगभग 1 मिनट तक अच्छे से यहाँ पे वॉश हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे दूसरे पानी के अंदर डालेंगे, यहाँ पर भी जब वो अच्छे से वॉश हो जाएगा फिर यहाँ से हम उसे निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम उसे फ़िल्टर पेपर के ऊपर रख करके अच्छे से सुखा लेंगे। तो अब हमारा क्या मानते हैं कि हमारा जो एक्सप्लांट था वो स्टरलाइज हो गया, ठीक है, ये हम मानते हैं हमारा एक्सप्लांट जो है अब स्टरलाइज हो गया। तो एक्सप्लांट को स्टरलाइज हमने कर लिया, कल्चर मीडिया हमने बना लिया, कल्चर मीडिया के हमने पार्टीशन कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया के अंदर यानी कि संवर्धन माध्यम के अंदर संरोपित करना है, यानी इनोकुलेट करना है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।